ही पानी पीने लगता है। आजादी की कोशिश में कई मर गए, यहाँ पूरी तरह निराश होकर ही उम्मीद की किरण जागती है। तो मैं आतंक फैला कर लोगों को उम्मीद की वो घूट दूंगा जो उनकी आत्मा में सहर खोल दे। मैं उन सबको यकीन दिलाऊंगा कि वो बच सकते हैं, ताकि तुम उन्हें एक दूसरे को रौंद कर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश करते देख सको। तुम मुझे एक पूरे शहर को तबाह करते देखोगे, और फिर जब तुम्हें अपनी लाचारी का पूरा एहसास हो जाएगा, तब सिर्फ रहेगी राख। उसके बाद मैं तुम्हें इजाजत दूंगा मरने की। वो है जिसका साया है, असली रावण वो है जिसका साया है। बुराई समझो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। अथ कालं प्रवक्ष्यामि
कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धि प्रदायकं तव प्रेम वशेनैव संकल्प। अब तुम संपूर्ण योगी के साथ साथ संपूर्ण योद्धा भी हो गए। अब प्रस्थान करो अपनी कर्म भूमि की ओर, जहां बढ़ता जा रहा है पाप और असत्य का दुराचार, मनुष्य के छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर लोगों का नैतिक तथा मानसिक पतन कर रहे हैं। और ये सब करवाने वाला भी एक महायोगी है जिसका नाम है तमराज के, और उसका उद्देश्य है इस संसार से दुनिया को मिटाकर पाप का साम्राज्य स्थापित कर देना। मैं उसका प्रतिकार कैसे करूंगा?